हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। मेरा नाम है ज्योता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस में। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलती है मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स एंड अदर वेरियस टॉपिक्स एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप लोग वीडियो के फर्स्ट के स्क्रीन में आप देख सकते हैं, टॉपिक है हमारा डू दिस आफ्टर फाइलिंग आईटीआर। जी हाँ, आईटीआर की फाइलिंग तो सबको करनी है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आईटीआर फाइलिंग के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, ओनली 2-3 डेज आर लेफ्ट नाउ। तो अगर अभी तक आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अपनी आईटीआर की फाइलिंग कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं अगर आपने आईटीआर की फाइलिंग कर ली है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो चलिए देखते हैं। जी देखिए, आईटीआर फाइलिंग करने के बाद जो सैलरी पर्सन हैं उनके पास भी आ सकता है नोटिस और उनको मिल भी रहा है। तो आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, जिससे कि आपको फाइलिंग के बाद ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है वेरीफाई योर रिटर्न। जी हाँ, अपना रिटर्न फाइल करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि आपका रिटर्न जो है वो वेरीफाई होना ज़रूरी है। आप इसको जाके अपनी ई फाइलिंग के पोर्टल पे जाके काम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा जो कि आपको डालना है। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आपने टैक्स अपना टैक्स फाइलिंग करते टाइम अगर आपने अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो आपको टैक्स रिफंड भी नहीं मिल पाएगा। सेकेंड चीज़ देखिए, आप लोगों को ध्यान में रखना है, सेव योर डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखने हैं 10 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि 12 महीने के बाद जो है ये सारी चीज़ें वापस से चेकआउट होती है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपके पास जो है इनकम टैक्स की स्क्रूटनी के लिए आ सकता है नोटिस और आपके डॉक्यूमेंट दोबारा से चेक हो सकते हैं। तो अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और अपने हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही काफ़ी अच्छे से आपको संभाल के रखना है। नंबर 3rd पॉइंट है रिवाइज योर रिटर्न। देखिए, कई लोगों को क्या होता है, अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हमने अपने रिटर्न को भरने में गलती की है। अगर आपको लगता है कि ये गलती हमारी हो चुकी है या हमने शायद ही ये चीज़ की है, तो आप जाके अपने रिवाइज्ड रिटर्न फिल कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने के लिए और साथ ही साथ नॉलेज की वीडियोस, न्यू टॉपिक जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ को आपका जल्दी से जल्दी पता लग सके। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अकाउंट्स की प्लेलिस्ट भी आने वाली है, जिसमें कि मैंने आपको बैक टू बैक वीडियोस दिए हुई है टॉपिक वाइज, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अभी जो है हम अपनी ब्रीफ में टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स के, विद द हेल्प ऑफ बुक बाय थ्योरली, जिनको कि हम अपने इंग्लिश टू हिंदी बिल्कुल अच्छे से आपको समझा रहे हैं। तो जाके आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो को। तो गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।